और मौलाना फजलुर रहमान ने अदालत से मर्जी के फैसले करवाने वाली बात गलत करार दे दी है। कहते हैं 27वीं आईनी तरमीम का सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसा हुआ तो उसका रास्ता रोकेंगे। भरपूर मज़ाहमत की जाएगी, 26वीं आईनी तरमीम की मुतराज़ शक्ने खत्म करवा दी थी। हम तो उसूली तौर पर न इंतकामी सियासत के कायल हैं, न किसी सियासतदान के खिलाफ मुकदमों पर मुकदमों के कायल हैं और न किसी जलसों पर तशद्दुद के कायल हैं, न सियासी वर्करों की गिरफ्तारियों के हम कायल हैं। मेरे ख्याल में उन्होंने अच्छा वक्त गुजारा है और वो एक गैर मुतनाज़े तौर पर इस वक्त अपने ओहदे से सुबकदोश हो रहे हैं। हम उनको इंतहाई कदर की निगाह से देखते हैं। जो नए चीफ जस्टिस आए हैं, इस वक्त पार्लियामान का एक रोल सामने आ गया है जो मैं समझता हूँ कि आने वाले मुस्तकबिल में जो अदालत जो है वो कभी इधर कभी उधर होती थी, अब पार्लियामान के किरदार के बाद अदलिया पर जो हालात थे उसका रास्ता बंद हो जाए।